दोस्तों देखा जाए तो BSNL काफी बेटर काम कर रहा है और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज अपडेट में लेके आया हूँ BSNL की तरफ से। तो अगर आप भी BSNL को इस्तेमाल करना चाहते हो और आप परेशान हो गए हो एयरटेल जियो वोडाफोन के जो प्राइस हाइक हो चुके करीबन दुगने प्राइस पे ये लोग बेच रहे हैं 4G एंड 5G डेटा प्लान को, तो वहां पे दोस्तों BSNL आपके लिए बहुत बड़ा एक राहत लेके आता है। एंड BSNL का सर्विसेज बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था 25,000 टावर्स वगैरह इन्होंने जाकर के अभी इंस्टॉल कर लिया है। साथ में रिसेंटली इन्होंने फ्री सिम डिलीवरी भी स्टार्ट कर लिया गया है गाजियाबाद एंड केरला में। वो वाला वीडियो जाकर के देख सकते हो किस तरह से आप चीजें कर सकते हो। भाई यहाँ पे दोस्तों मैं एक और अपडेट लेके आऊँ कि यहाँ पे इन्होंने अपने जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे आप जितने भी सर्विसेज है BSNL के सारे चीजों को मैनेज कर सकते हैं उसको एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि जब से प्राइस इंक्रीज हुआ यहाँ पे बहुत ही बड़ा BSNL ने अच्छा दिमाग से खेल खेला है। यहाँ पे अपने भी ट्विटर हैंडल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अचानक से पूरी जगह पे एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब जाकर के BSNL को सपोर्ट कर रहे हैं, BSNL के तरफ से स्विच कर रहे हैं और बहुत सारे यूजर्स को जो ना काफी अच्छा इंटरनेट स्पीड भी मिल रहा है, क्योंकि रिसेंटली अपने टावर्स को इन्होंने इंक्रीज कर लिया और कहा जा रहा है 2024 खत्म होते होते यहाँ पे पूरे अक्रॉस इंडिया में आपको 4G के टावर इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हर एक सिटी हर एक जगह पे आपको 4G का नेटवर्क आपको मिलेगा जो कि करीबन 25 Mbps के आसपास में आपको इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जैसे इनके ट्विटर हैंडल पे दोस्तों जाते हैं तो यहाँ पे अपने नेक्स्ट लेवल कन्वीनियंस अपने फिंगर टिप्स पे दिया जा रहा है। बेसिकली इनका मोबाइल एप्लीकेशन का एडवर्टाइज कर रहे हैं एंड यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे दोस्तों ये देख सकते हो ये दोनों एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से आप अपने रिचार्जेस कर सकते हो, अपने लैंडलाइन के बिल्स वगैरह पे कर सकते हो। जो BSNL का नेटवर्क है जो कि फायर बेस जो बेसिकली इंटरनेट है वायर कनेक्शन से आपको आता है, फाइबर नेट वगैरह जो भी कहते हो भाई, उस वाले कनेक्शंस वगैरह को भी आप मैनेज कर सकते हो, नए प्लान्स ऑफर्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, सारे रिचार्ज रिलेटेड आप चीजें कर सकते हो। जैसा कि आप जियो एयरटेल और वोडाफोन में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे आपके फिंगर टिप्स पे मोबाइल एप्लीकेशंस पे, सिमिलर सा सर्विसेज आप BSNL भी प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि BSNL का एप्लीकेशन बहुत ही पहले से था बट यहाँ पे बहुत सारे रिनोवेशन करा गया, बहुत ही यूजर इंटरफेस को अच्छी तरीके से करा गया और जिससे आसानी हो लोगों को रिचार्ज करने के लिए। तो भाई BSNL तो भाई सबसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है बट इसको सिर्फ जरूरत है थोड़ा सा पुश और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। अगर ये अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं तो भाई डेफिनेटली बहुत सारे लोग BSNL करने में स्विच करेंगे और बहुत बड़े टैग लाइन से यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट भी करा जा रहा है, जो कि देखा जाए तो BSNL काफी अच्छा काम कर रहा है बट इनको अपने नेटवर्क को इंप्रूव करने की जरूरत है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप BSNL का सिम कार्ड यूज करते हो या फिर करना चाहते हो और कौन से सिटी से ब्लैंक करते हो, अगर आप यूज करते हो तो भाई किस तरह से नेटवर्क क्वालिटी आता है। बाकी मैं भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह टीजेल वगैरह चेक करके अपडेट्स वगैरह आपको रोजाना बताता रहूंगा। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।